गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज बहुपद पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे हम लोग। इससे पहले एक पॉलिनोमियल पर एक वीडियो पहले बताया गया है, पॉलिनोमियल के बारे में बेसिक कंसेप्ट भी मिला है। तो आज हम प्रश्नावली 2.1 का उदाहरण नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका से। इसीलिए हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बात समझ में आएगा। देखिए, इसमें दिया कि नीचे दी गई आकृति 2.9 में ये आकृति दिया हुआ है। ग्राफ को देखिए, प्रत्येक आकृति y बराबर क्या है px, जहाँ px एक बहुपद है का ग्राफ है, इसका ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्राफ दिया गया है और 6 ग्राफ में आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, किनारे में लिखा हुआ है कि किसी बहुपद px का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद या स्पर्श करता है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। यानी क्या है, x अक्ष पर देखना है, ये हुआ x अक्ष, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। यानी x अक्ष पर देखना है कि ये ग्राफ कितने बिंदुओं पर कटती है या स्पर्श करती है, तो उसकी गिनती की जो संख्या होगी वही शून्यकों की संख्या होगी। तो देखिए, इस ग्राफ को देखते हैं। देखिए, अगर इस ग्राफ को देखिए तो x को क्या करता है, x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर काटती है, तो यह शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी। लिख देते हैं यहाँ कि शून्यकों की संख्या 1 होगी। क्या लिख देंगे, यहीं पर लिख देते हैं शून्यकों की संख्या 1 है। शून्यकों की संख्या कितनी है, 1 है। क्यों, क्योंकि ये x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बस ये हो गया। दूसरा को देखिए, x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, देख लीजिए। एक्स अक्ष को केवल देखना, क्योंकि दिया हुआ किसी बहुपद px का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद या स्पर्श करती है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। बस केवल x अक्ष को चेक करना है, ग्राफ में कितने जगह स्पर्श हो रहा है या कटिंग हो रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है या स्पर्श हो रहा है। तो इसमें देखते हैं एक जगह और दो जगह, एक ये और एक ये, ठीक है। तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या कितनी, लिख देंगे शून्यकों की संख्या, दो जगह हुआ, एक यहाँ, शून्यकों की संख्या 2 है, बिल्कुल आसान है। फिर तीसरा ग्राफ को देखिए, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, देखिए एक आया 2 3, तो लिख देंगे यहाँ पर शून्यकों की संख्या 3 है, हो गया, आसान है। फिर इसको देखते हैं, फोर्थ नंबर का देखते हैं, शून्यकों की संख्या केवल 1 है, एक जगह प्रतिच्छेद हो रहा है, तो लिख देते हैं शून्यकों की संख्या
शून्य को यहाँ लिख देते हैं, शून्यकों की संख्या एक है, हो गया। फोर भी समाप्त। अब देखिए फाइव में देखिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, बस एक जगह स्पर्श कर रहा है, तो लिख देंगे शून्यकों की संख्या एक है। क्यों एक है? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर ही प्रच्छेद या स्पर्श करती है, इसलिए। फिर देखिए फाइव हो गया, अब सिक्स को देखिए, सिक्स में गिनती करिए, एक्स अक्ष पर केवल एक दो तीन चार, तो क्या लिख देंगे? शून्यकों की संख्या, इसमें लिख देंगे शून्यकों की संख्या चार है, क्योंकि ग्राफ जो है एक्स अक्ष को चार बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करती है। तो इस प्रकार से ये समाप्त हुआ, और इसी का 2.1 का एक्सरसाइज का पहला सवाल इसी पर आधारित है। ये तो एग्जाम्पल क्वेश्चन था, तो सेम ऐसा ही है जो कि अगले वीडियो में बताएंगे। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।